नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, इंसाफ मिलने तक नहीं हटेंगे। लॉ इज अ वेरी पावरफुल वेपन, लेकिन आप इस हथियार से किसे बचाते हैं इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। एक तो तेरे पास जमीन का पट्टा नहीं है और ना ही राशन कार्ड है, यहाँ तक कि वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं। इनकी गलती क्या है इसमें? देश को आजाद हुए 50 साल हो गए लेकिन इनके पास एड्रेस प्रूफ तक नहीं है। कौन सा कानून कहता है कि एक आदमी पर एक ही केस लगाओ, हर बकरे पे दो दो केस ठोक दो। चाहे कितने भी पीड़ित हो, हर एक को इंसाफ के लिए लड़ने का हक है और इस अदालत का फर्ज है कि वो उन्हें इंसाफ दिलाए। राजा कन्ना, मौसु कुट्टी और इरुटप्पन, ये तीनों हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। जो चोरी हमने नहीं की उसे कबूल है कैसे साहब? माय लॉर्ड्स, पुलिस ने हर कदम पर कोर्ट से झूठ कहा है। उस देवर उसने बेचे, उसके हमारे पास एविडेंस है। तीनों फरार हो गए, उसका एविडेंस भी है। चोरों को ट्राइबल बताकर पॉलिटिक्स मत कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। ये केस नहीं एक स्कैंडल है, ये लोकल पुलिस के हाथों में होना ही नहीं चाहिए। इस केस को सीबीआई को सौंप दीजिए। अरे सच क्या है, पुलिस बता तो रही है। इस सच के पीछे न जाने कितने झूठ है। हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए माय लॉर्ड्स। ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। सीएम तक पहुंचने से पहले इस केस को बंद करना होगा। वैसे भी गुनहगारों का साथ अक्सर कई लोग दिया करते हैं सर, बेगुनाहों का कौन देगा, उन्हें हम ही से उम्मीद है। पल भर में चारों झोपड़ियों को जला दूंगा। हाँ, गणतंत्र को इस देश में बचाने के लिए कभी कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है चंद्रू। कानून तो अंधा है ही, पर अगर आज ये कोर्ट गूंगा भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। चंद्रू, और 10 दिन में कौन से राज खुल जाएंगे? मैं चाहता हूँ उस मासूम आदिवासी औरत को इंसाफ मिले। कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मैं सड़क पर उतरूंगा। सिर्फ कानून ही मेरा हथियार है, दैट्स ऑल।